इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ लेने गया था। कह के गए थे किसी काम से गए हो, अब कह रहे हो कुछ लेने गया था। किसी और कुछ है क्या? पता तो चले। तुम्हारे लिए कुछ लाया? मेरे लिए? खुशी का मौका था, गेम भी लॉन्च हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। आज तक तुम्हें कोई तोहफा भी नहीं दिया ना मैंने। हमारी शादी ऐसे हो गई यार, मुंह दिखाई भी नहीं दे पाया तुम। अच्छा अब हंसना नहीं? मैं क्यों हंसूं? थैंक यू। उस पे मैं समझ आ गई। बहुत प्यारी। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ गोल्ड में कुछ रिंग कुछ ब्रेसलेट वगैरह औकात में थी। बहुत प्यारी। 25,000 का लग रहा? क्या जरूरत थी इतने पैसे जाया करने की? अरे इतने का वो तुम्हारे शौहर का भी वही हिसाब है, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पकौड़े अच्छे होते हैं। है ना? पेन? नहीं नहीं इसको मैं संभाल के रखूंगी। नहीं स्पेशल गिफ्ट है, इसको मैं किसी स्पेशल ओकेशन पर पहनूं। पता तुम कभी नहीं पहनोगी। पहनूंगी ना, अभी खराब हो जाएगी, ऐसे थोड़ी पहनूं। अच्छी? बहुत अच्छी। मुस्तफा ये क्या कह रहे हैं? हरिकेन तुम्हारा आइडिया था, तुम्हारी क्रिएशन है, खुद क्यों क्रेडिट ले रहा है? मुस्तफा How can you do this to me, Joseph? Hurricane was my property, it was my concept. It is my intellectual property. First of all, stop shouting, Mustafa. You know that everybody got their names mentioned for whatever credit they have given. You are just a worker, nothing else. You're just a worker and you're paid for everything that you've done. I'm going to sue you. I'm not letting this go. Okay, sue me. Come on, sue me. But you're fired already, okay? You're fired. Hell with your job. I don't even need it anymore. कुछ सोचा? किसी कॉलीग से बात की? सब सही कर ली। क्या बोला उन्होंने? किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। अपने सीईओ के खिलाफ कौन बात करेगा यार? सबको अपनी नौकरियों की पड़ी, पता सबको है कि मैंने बनाया, अभी डेवलप मैंने, आइडिया मेरा। तुम अपने सीईओ से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते? वो मेरी सुनेगा, वो मैं राइट हैंड जोसेफ की नहीं सुनेगा, मेरी सुनेगा। तब मुझे समझ आ रही है कि जोसेफ ने मुझे आज तक सीईओ से डायरेक्ट क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे आइडियाज वो अपने कह के पिच कर रहा था उसके। मैं बेवकूफ, मुझे नजर नहीं आया। मुस्तफा क्लियरली इनसिक्योर हो गया था तुमसे, तुम्हें पोटेंशियल देख रही थी उसने, इसलिए यूज किया था। क्या पोटेंशियल? मेरे सामने बेवकूफ बना के चला गया मुझे, और मुझे समझ नहीं आया, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अम्मा अब्बा ना सही कहते थे, यूजर वो तो सही है।
मुस्तफा देखो, मेरा आर्ट से ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें दिन रात लगा कर एक चीज़ बनाई, गेम डेवलप की, इट वॉज लाइक योर बेबी, आई गेट इट, समझ आ रही है तुम्हें कितना दुख हुआ, लेकिन जोसेफ ने तुम्हारा क्रेडिट छीना है, तुमसे तुम्हारी क्रिएटिविटी टैलेंट तो नहीं छीन सकते ना। चार डालो उसको, क्या करूं मैं, ना तंग आ गया उन तसल्लियों से, सब बकवास है। तुम उस वक्त क्या हम कुछ कर नहीं सकते उसके खिलाफ? सारी रात बैठ के ना मैं भी ये इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में सोच रहा हूँ, सोशल मीडिया ट्रेंड चला दूंगा उसके खिलाफ, शू कर दूंगा गेम वन वाला, सुबह सारा रियलिटी चेक आ गया, पता है ट्रेंड में चला नहीं सकता, शू करने के मेरे पास पैसे नहीं है, और हकीकत यह है कि नौकरी अब है नहीं मेरे पास, तो घर का खर्चा कौन चलाएगा ये भी समझ नहीं आ रहा, रियलिटी कुछ नहीं कर सकते। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करो। आ गई तुम? तुम मुझे यहाँ से पिक करना और सुबह में ड्रॉप करना कभी नहीं छोड़ोगे ना? कोशिश तो यही है, लेकिन अब क्योंकि जॉब हो गई हमारी, जरा मुश्किल हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या जॉब होगी है कहाँ? यार वो एक डाटा एंट्री की छोटी सी जॉब, छोटी सी फॉर्म है, पर 35,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने तो फॉरन मांगे डाटा एंट्री, सैलरी थोड़ी सी कम है 35,000, बट फ्लाइट का रेंट निकल आएगा, ग्रोसरी भी मैं कर लूँगा, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, जॉबलेस होंगे तो ठीक है ना? तो बस सैलरी की बात नहीं है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं जॉब के साथ साथ ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लूँगा, पैसे उतने ही बन जाएंगे। अब देखो होता तो वो हवाई है ना, मिला नहीं मिला, मुझे पक्की नौकरी चाहिए थी ना, महीने की सैलरी वाली, अब छठे छाट तो है नहीं कि ऐसे रह लेंगे, गुजारा करने के लिए कुछ पक्का तो चाहिए ना। मुस्तफा मैं तुम्हारी जॉब को जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी जॉब को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम एक इंतहाई जीनियस इंसान हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, एक गेम डेवलपर हो, थोड़ा थोड़ा वेट कर लो। मुझे गेम से रिलेटेड कुछ नहीं करना। डेटा एंट्री का काम करोगे, कोई ऐसा कुछ ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी हो। मैं गेम के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता, बस हो गया, टूट गए ना सारे ख्वाब, आगे बढ़ते। मुझे पता है तुम इस टाइम पे हर्ट हो, दुखी हो, दिल टूटा है तुम्हारा, आई अंडरस्टैंड, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो। शेख चिल्ली के सर से ना अंडों की टोकरी गिर चुकी है। मुस्तफा मेरी बात सुनो, गेम वन ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, जोसेफ ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, लेकिन तुम्हारा स्किल तो नहीं छीन लिया ना, तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे। कहीं यार ये तसल्लियां नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए चांसेस, जो है उसी में खुश रहें, बड़ा घर बंगला मकान सारे ख्वाब, बस रियलिटी चेक ये 35,000 रुपये में रहना है और सही है, कर लेंगे एडजस्ट। बूंदाबांदी हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज हॉस्पिटल गई थी। क्यों, क्या हुआ, तबीयत खराब है? नहीं कोई कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, वो बस वो ऑफिस से करीब था तो कैब करा के चली गई थी। ऑफिस से करीब था मतलब शॉपिंग मॉल थोड़ी था जो करीब से चली गई, कोई दर्द है, कोई मसला, क्या बात, क्या है? नहीं ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले बताना चाह रही थी लेकिन वो तुम्हारी जॉब की डिस्कशन शुरू हो गई थी तो। अरे भाड़ में गई जॉब, क्या हुआ है? I'm pregnant.